तो अब हम चलते हैं हमारे जो सबसे स्टार्टिंग वाला टैग है हेडिंग, जो कि ज़्यादातर लोग जानते होंगे क्योंकि हेडिंग सब जगह बता दिया जाता है। मतलब जब भी कोई शुरू करता है तो हेडिंग से शुरू करता है। तो ये हेडिंग टैग जो होता है ये एक HTML का स्ट्रक्चर है, साथ में इसको लोग साइज़ के हिसाब से भी यूज़ करते हैं। कुछ भी आप लिख रहे हो उसका उस पेज का एक हेडिंग मानते हैं उसको, H1 को। अगर आप H1 में जो भी लिख रहे हो वो मेन मेन हेडिंग्स में अपने आप वो डिफाइन कर लेते हैं ब्राउज़र की, ये मेन हेडिंग यही चीज़ें हैं। कुछ लोग इसको उस हिसाब से भी यूज़ करते हैं कि यहाँ पे अगर हमें इतना साइज़ चाहिए तो H1 यूज़ कर लिया, H2 यूज़ कर लिया, H3 यूज़ कर लिया या H6 यूज़ कर लिया, उसके हिसाब से। तो ये H1 ये आप देख सकते हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह होता है। चलिए इसको हम अपने पेज में यूज़ करके देखते हैं। ये हमें जो है यहाँ पे हमको बॉडी के अंदर यूज़ करना पड़ेगा, इतना ध्यान देना। तो ये H1 टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया। टैब से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, एक एक टैब दे देना चाहिए जिससे कि थोड़ा सा इसमें इसका जो फॉर्मेट है वो एक अच्छा प्रैक्टिस होता है फॉर्मेट मेंटेन करके इसमें कोडिंग करना। अब इसे हम रन करके देखते हैं। हमारी जो ब्राउज़र में हमने खोल रखा था ये यहाँ पे ये पेज हमने खोला था, इसको रिफ्रेश करोगे आप तो देखो ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऐसे करके आ जाएगा। तो अब चलते हैं हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे स्टाइलिंग ये CSS का पार्ट है जो कि मैं आपको अलग से भी बताऊंगा, पर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये स्टाइल जो इन लाइन स्टाइलिंग की हुई है, ये इन लाइन स्टाइल के जरिए H1 के साइज को आप और भी बढ़ा सकते हो। तो वो तो स्टाइल है, CSS है। आप CSS का यूज़ करके आप किसी को भी आप छेड़छाड़ करके कितना भी बड़ा काला बड़ा छोटा मोटा कुछ भी कर सकते हो। तो CSS से आप किसी को भी जो फिक्स साइज़ है उसके भी साइज़ को आप बढ़ा सकते हो आराम से। HTML पैराग्राफ्स, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें पैराग्राफ बहुत बार बार यूज़ करते रहना पड़ता है। कुछ भी आपको टाइप करना हो, कुछ लिखना हो तो पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, उसको आप भले अलग से स्टाइल दे दो पर पैराग्राफ में लिख। तो जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको हम अपने पेज में कॉपी करते हैं। ये H6 के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब इसको हम सेव कर देते हैं और वापस से हम अपना पेज रिफ्रेश करके देखते हैं। ये वाला पेज है जो, तो देखो आप यहाँ पे आ गए, दिस विवेक पैराग्राफ कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइन। तो ये पैराग्राफ्स मतलब सिंपली पैराग्राफ आ जाता है वेब पेज का। कहीं कहीं पे दो पैराग्राफ या कहीं भी आपको यूज़ करना हो कि आपको एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन चाहिए तो HR टैग यूज़ कर लेते हैं, ये भी काफ़ी हैंडी है। मैं इसको भी चलिए आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि HR टैग कैसा दिखता है। इसे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे आके दो पैराग्राफ थे हमारे पास उनके बीच में मैंने HR टैग लगा दिया, इसको सेव किया। HR टैग सिंगल टैग होता है आप याद रखना, और यहाँ पर आके हमने रिफ्रेश कर लिया। तो आप ये देख सकते हो ये जो बन रहा है ये इसके ऊपर बीच में ये लाइन पूरी आप HR टैग की वजह से बन गई है। अब इस लाइन में भी आप CSS डाल सकते हो, मोटा पतला कुछ कर सकते हो, मतलब CSS का इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हो जहाँ मन चाहे। अब चलते हैं हम नीचे। तो लाइन ब्रेक, जैसा मैंने बताया था BR टैग होता है लाइन ब्रेक, ये भी काफ़ी यूज़ होता है, आप BR टैग के बारे में भी जान लो। चलिए इसे हम कॉपी करते हैं, और ये हमारा एक पैराग्राफ था जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पैराग्राफ, तो आप देख सकते हो कि ये पैराग्राफ है यहाँ पे कंटेंट्स अलॉट, ये एक लाइन है। अब मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक जब लगाऊंगा तो ये इसमें देखिए क्या चेंज आने वाले हैं। मैं यहाँ पे लाइंस के बाद मैं यहाँ पे BR टैग लगा दिया, सेव किया, मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। देखिए अब लाइंस के बाद मैंने BR टैग लगाया था, वहीं से ये ब्रेक होकर के सेकंड लाइन स्टार्ट हो गई। तो BR टैग से पूरा लाइन ब्रेक हो जाता है और नया वहीं से स्टार्ट हो जाता है, आप कहीं भी लगा सकते हो। इवन BR टैग का यूज़ अब मैं अक्सर स्पेस बढ़ाने के लिए करता हूँ। दो डिव्स होते हैं जो दो ब्लॉक आप कोई भी बनाए हुए हो, कोई ऊपर फोटो लगाए नीचे फोटो लगाए, उसके बीच में BR टैग यूज़ कर दो तो थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है, मतलब एक उसका फिक्स स्पेस है, इतना स्पेस पिक्सल बढ़ा देता है वो। तो BR टैग का जरूरी नहीं है कि आप लाइन ब्रेक के लिए यूज़ कर रहे हो, BR टैग का कहीं भी यूज़ कर सकते हो आप। तो ये जो प्री टैग होता है इसको पोएम प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप कोई भी जो वर्ड लिख रहे हो पी टैग के बीच में, वो पी एकदम से सिंगल लाइन में हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो उसको। आप ट्राई टू योरसेल्फ करो तो ये भी जो जैसे भी लिखा हुआ था ये यहाँ पे देखो सिंगल लाइन में हो गया, पर ये क्या पता इसको फॉर्मेटेड चाहिए हो, इसी फॉर्म में चाहिए था। तो अब इसके लिए आप बहुत सारे आप ब्रेक लगाओगे, दो ब्रेक लगाओगे, फिर स्टाइलिंग दोगे, ये मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी हो सकता है। तो उसके लिए एक छोटा सा टैग आता है, इसको नाम प्री टैग है। आप प्री टैग में जिस तरीके से कोई भी चीज़ लिख रहे हो सेम फॉर्मेट में उसी तरीके से ब्राउज़र पे प्रिंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे इसमें लिखा है वैसे ही सेम ब्राउज़र पे प्रिंट हो गया। चलिए हम प्री टैग को भी अपने टैग में कॉपी कर लेते हैं अपने ब्राउज़र में।
मैं यहाँ पे दिस इज़ पैराग्राफ के ऊपर प्री टैग और इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया प्री टैग। तो ये HTML CSS है। हम HTML CSS पे, वैसे तो CSS के बारे में मैं आपको पूरा बेसिकली बताऊंगा अच्छे से, पर ये HTML CSS में कुछ स्टाइल्स बेसिक स्टाइल्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं बैकग्राउंड कलर, कलर फॉन्ट्स वगैरह के लिए, वो हैं। तो मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा आपको सारी चीज़ें। जैसे कि एट्रीब्यूट जो मैंने बताया आपको, इनलाइन CSS, इनलाइन स्टाइलिंग दी जाती है किसी भी टैग में जब HTML के, तो वो जो स्टाइलिंग टैग, स्टाइलिंग जो एट्रीब्यूट है उससे एक उसमें कलर या जो भी आप एट्रीब्यूट, जो भी बिहेवियर उसमें ऐड कर रहे हो, वो बिहेवियर उसमें शो होने लगता है। तो जैसे कि जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसमें एक बैकग्राउंड कलर का स्टाइल होता है, जिससे कि आप किसी भी जो भी उसके बैकग्राउंड है, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी वो टैग है, उस टैग के अंदर जो भी बैकग्राउंड है वो उस कलर का हो जाएगा। तो जैसे देखिए इसमें इसने पावर ब्लू डाला हुआ है, पूरा बैकग्राउंड आप तक देख सकते हैं पावर ब्लू हो गया। तो चलिए इस चीज़ को हम भी ट्राई कर लेते हैं। इस बॉडी टैग को मैं अपने कोड्स में पेस्ट करने वाला हूँ बॉडी की जगह पे, और मेरा पूरा बॉडी पेज का ब्लू हो जाना चाहिए। तो देखिए ये ब्लू हो गया है मेरा पूरा बॉडी। सेकेंड टैग आता है यहाँ पे टेक्स्ट कलर। जो भी टेक्स्ट जैसे आप लिख रहे हो, जो भी पैराग्राफ टैग, जो पी टैग है उसमें लिख रहे हो, या H1 टैग वगैरह, या कोई हेडिंग टैग है, या कहीं भी आप लिख रहे हो जो भी, उसका अगर आपको टेक्स्ट कलर बदलना है तो आपको सिर्फ स्टाइल में कलर लिखना है, और कलर के बाद जो भी आपको कलर है वो आप दे दो इसमें स्टाइल, वो उस कलर का हो जाएगा। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे H1 टैग को इसने दिया हुआ है कलर ब्लू स्टाइल में, तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का हो गया है। यहाँ पे दिया हुआ है कलर रेड, तो यहाँ पे ये कलर रेड कलर का हो गया है। इसी तरह फॉन्ट्स में होता है, फॉन्ट फैमिली वगैरह आपको चेंज करना है तो फॉन्ट फैमिली का आपको नाम बताना चाहिए, आप गूगल कर सकते हो फॉन्ट फैमिली के नाम के लिए। फिर आपको फॉन्ट, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट में आपको फॉन्ट CSS डालना है, फॉन्ट फैमिली वाला जो है इसका टैग वो डालना है। उसके बाद फिर वरदाना, मान लीजिए आपको अगर फॉन्ट स्टाइल चाहिए तो वो डालना है, और ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा। इसी तरह टेक्स्ट साइज वगैरह चेंज करना है तो आप परसेंट में टेक्स्ट साइज चेंज कर सकते हो, या पिक्सल में भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो 300% में साइज को चेंज किया हुआ है फॉन्ट साइज को, तो ये फॉन्ट साइज 300% बढ़ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो H1 टैग इतना बड़ा नहीं होता था, इसको 300% बढ़ा दिया है इसने स्टाइल एट्रीब्यूट से CSS लगा करके, तो ये इतना बढ़ गया है। अब इनसे हम ट्राई करते हैं क्या ये पिक्सल में भी हो सकता है, आप यहीं पर ट्राई कर लीजिए क्या ये 1 2 px। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जो दिस इज हेडिंग मैंने 1 2 px कर दिया। px देखिए px का भी यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें परसेंटेज का भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखिए px करने के बाद ये कितना छोटा हो चुका है। वापस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टैग पे। तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट है, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो वो बीच में आप चाहिए, मतलब स्क्रीन के बीच में चाहिए, किधर चाहिए आपको, इवन आप कितना पिक्सल राइट से छोड़ना चाहते हो, कितना पिक्सल लेफ्ट से छोड़ना चाहते हो, ये भी डिसाइड कर सकते हो CSS से। मगर अभी फ़िलहाल आपको लेफ्ट, राइट और सेंटर के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट डैश अलाइन फिर कोलन लिखना होता है। कोई किसी भी स्टाइलिंग में आपको कोलन लिखना होता है, कोलन के बाद आपको वैल्यू लिखना होता है कि क्या वैल्यू आप दे रहे हो उसमें। तो जैसे सेंटर में लिखना है, इसको सेंटर करना है तो आप सेंटर करना पड़ेगा। आप देख सकते हो ये दोनों सेंटर हो चुका है, अगर मैं इसको सेंटर हटा देता हूँ तो ये किनारे आ जाएगा। देखिए आपको ये किनारे आ गया। तो यहाँ पे सेंटर देने के बाद अगर आप राइट कर देते हो यहाँ पे RIGST तो ये राइट में चला जाएगा। तो चलिए इसे भी हम अपने कोड में लिख लेते हैं। और इसे सेव कर लेते हैं और इसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे सेंटर्ड हेडिंग आ गया राइट में। तो अब हम चलते हैं।